सोहागपुर सामान्य वन क्षेत्र के आसपास बसे गांव में बांधवगढ़ से लाई गई बाघिन भय का पर्याय बन चुकी है। मवेशियों के आसान शिकार के चक्कर में बाघिन लगातार आबादी से कुछ दूरी बनाकर जंगल में रह रही हैं। उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह गुरुवार को आदिवासी क्षेत्र से आए दर्जनों नागरिकों ने सोहागपुर SDM को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में उल्लेख किया था कि बाघिन को सामान्य वन क्षेत्र से हटाया जाए ताकि ग्रामीण स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर सकें। टाइम 8 मध्य प्रदेश की टीम ने दिन व रात में उस क्षेत्र का भ्रमण किया जहां बाघिन लगातार देखी जा रही है। इस दौरान जहां भी ग्रामीण मिले अत्यधिक भयभीत मिले तथा सभी ने कहा कि किसान खेतों की ओर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं बच्चे भी बाघिन के डर के कारण घरों में कैद हैं, क्योंकि हाई स्कूल जाने के लिए बच्चों को गांव छोड़कर अन्य बड़े गांव या कस्बों की ओर जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ते में कहीं भी तथा कभी भी बाघिन आ सकती है जो कि जन क्षति का कारण बन सकती है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मुझे परेशान सर यही हो रही है, अपन किसानी कैसे कर सकते और कैसे रख सकते रखा सकते नहीं जाएंगे ना अब खेतों के आस पास तो घूम रही है वो बच्चे भी नहीं जा रहे जो रोड है हमारे लड़के भी जाते। टाइम 8 से रविवार दोपहर चर्चा में बाघिन के भ्रमण वाले क्षेत्र से लगे गांव के बाशिंदों ने बताया कि खेतों में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि बाघिन के डर के कारण किसान दिन हो या रात रखवाली के लिए खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाघिन घूम रही सर, मन हमारे इधर जो कहा बच्चे लोग पढ़ भी जाते हैं तो दहशत फैल गई, बच्चे लोग पढ़ भी नहीं जा रहे। तो कौन से स्कूल जाते हैं वो? जो कांति कितनी दूर पड़ता है? कछनाई तो 5 किलोमीटर दूर। बाघिन को हटाने के लिए हाँ मांग तो हुई उसमें, क्या बोल रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, अब हट जाएगी जब हमें समझ में आएगी कि भाई हटा दिए उन्होंने। इधर ग्रामीणों व बाघिन के बीच दूरी मेंटेन रखने तथा बाघिन की सुरक्षा की चिंता में टाइगर रिजर्व की टीम के द्वारा लगातार 2400 घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एंटीना लेकर मॉनिटरिंग टीम दिन रात कॉलर आईडी लगी बाघिन से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर बनी रहती है। रात्रि में भी मॉनिटरिंग टीम एंटीना लेकर जंगल में बनी रहती है ताकि बाघिन को गाँव तक जाने से रोका जाए। वन कर्मियों ने चर्चा में टाइम 8 मध्य प्रदेश को बताया कि गाँव की ओर यह वन्य प्राणी न जाए, इसलिए हाथियों से भी मॉनिटर की जा रही है। हाथी दल भी लगातार बाघिन के आसपास बना रहता है ताकि जब बाघिन गांव का रुख करे तो उसे घेर कर वापस जंगल भेजा जा सके। इधर ग्रामीण प्रतीक्षा में है कि बाघिन को पुनः थैंक यू लाइक किया जाए तथा आप कोर एरिया ना ले जाकर किसी अन्य स्थान पर छोड़ा जाए। इधर टाइगर रिजर्व सूत्र बताते हैं कि बाघिन सामान्य वन क्षेत्र के घाटी वाले इलाके को अपनी टेरिटरी बना चुकी है जहां वह वन्य जीवों का आसानी से शिकार कर रही है। बाघिन को किसी अन्य स्थान पर ले जाने के सवाल पर वन कर्मियों का कहना है कि इस बात का जवाब वरिष्ठ अधिकारी ही दे सकते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मामले में अधिकृत बयान देने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो ये जंगल में ही बनी हुई है यहाँ पर अपने सामान्य वन क्षेत्र में ही ना? हाँ, सामान्य वन क्षेत्र में। ओ, कभी कभी बफर जोन तरफ भी जाती है? जी, बफर जोन तरफ भी जाती है। ग्रामीणों में बड़ी घबराहट है इस बात को लेकर, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं ग्रामीणों को? उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जैसे गांव की ओर यदि जाती है तो फिर क्या उसे खदेड़ते हैं? चले जाते पहले तीन गांव के साइड। अच्छा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बफर जोन और सामान्य जोन जो क्षेत्र है उसकी सीमा पर खड़े हैं। यह वही क्षेत्र है जहां पर बाघिन लगातार भ्रमण पर है। बाघिन जो कि जून 2021 में बांधवगढ़ से लाई गई थी इस मंशा के साथ कि बाघ वंश में वृद्धि हो, लेकिन बाघिन कोर एरिया को छोड़कर सामान्य वन क्षेत्र में आई है, गाँव के आसपास बनी हुई है। आबादी के आसपास बने होने के पीछे उसकी मंशा आसान शिकार की है जो कि उसे मवेशियों के रूप में मिल रहा है। वन विभाग की जो चिंता है वह इस बात की है कि बाघिन की सुरक्षा हो, वहीं पर आदिवासियों से जुड़े संगठनों की और आदिवासियों की इस बात की चिंता है कि आदिवासी सुरक्षित हों इस चक्कर में कि बाघिन कहीं किसी पर हमलावर ना हो जाए। आदिवासी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, आदिवासी अपने खेतों की ओर नहीं जा पा रहे हैं, खेतों की रखवाली नहीं हो पा रही है और बाघिन का जो भय है वह बहुत अधिक आतंक जो है इन गांव में छाया हुआ है। देखना है कि सुरक्षा की चिंता का दोहरा क्रम, बाघिन की सुरक्षा और आदिवासियों की सुरक्षा की चिंता का यह दोहरा क्रम किस करवट बैठता है। बाघिन आतंक का पर्याय बन चुकी है, आदिवासी उसके विरोध में ज्ञापन भी दे चुके हैं, उसे जंगल से हटाए जाने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई उचित कदम अभी तक आदिवासियों की चिंता को लेकर नहीं उठा पाया है। सतपुड़ा के घने जंगलों से टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मैं अमित बिल्लोरे।